हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका आज के हमारे इस वीडियो में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक क्वेश्चंस। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, प्लस हमने उसका फॉर्मेट भी डिस्कस किया था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक, अच्छा ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन होने के बाद फिर अपन आगे जाके एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले कृपया पिछला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसमें दिया हुआ है कि दो पार्टनर है प्रेम और मनोज। ठीक है, दोनों का रेशियो है 3:2। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। प्रेम को सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी? 2500 पर मंथ। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है मनोज वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर। मनोज को कमीशन मिलेगी 10,000 पर ईयर। ठीक, फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग्स वाज 1250 एंड मनोज ड्रॉइंग वाज 425। अच्छा, हमें रेट भी दिया था और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके भी दिया है। प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 1250 और मनोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 425। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हम पी एंड एल अप्रोविशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके नहीं देगा तो हम ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये जो रेट दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया है। अच्छा, और क्या दिया है क्वेश्चन में? तो आगे लिखा है कैपिटल दिए दोनों पार्टनर्स की, प्रेम की है 2 लाख और मनोज की है 1,50,000। ठीक, और इसके बाद हमको एक क्या दिया है? प्रॉफिट दिया हुआ है 90,575। ठीक, और हमें करना क्या है? तो हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो हमें प्रॉफिट गिवन है यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक, तो नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है 90,575। और क्रेडिट साइड क्या आता है? तो और आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रेम का 2500 और मनोज का, सॉरी फ्रेम का दिया हुआ है 1,250 और मनोज का दिया हुआ है 425। टोटल हो गया 1,675। चलिए आगे चलते हैं, डेबिट साइड क्या आता है? तो डेबिट साइड आता है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या? नहीं, देखो हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी 2 लाख और 1,50,000। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 5%, तो हम इसके ऊपर ये रेट अप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा।
तो ये आ गया मेरा 10,000, और 1,50,000 का 5% आ जाएगा 7,500, तो ये आ गया मेरा 17,500। ठीक, ये भी मेरा कैलकुलेट हो गया। और क्या आता है यहाँ पे, तो और आती है सैलरी। सैलरी किसकी दी हुई है क्वेश्चन में, प्रेम की दी हुई है। अब देखिए प्रेम की सैलरी के केस में क्या लिखा था, तो उसमें लिखा था प्रेम की सैलरी जो है वो है 2,500 पर मंथ। ठीक, यहाँ लिखा था फ्रेम वॉज टू पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फुल ईयर का है, तो हम जितने भी आइटम्स लेंगे फुल ईयर के लेंगे, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी हुए। ठीक, तो जैसे सैलरी है, अब अगर 2,500 पर मंथ है और मैं फुल ईयर का प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सैलरी भी फुल ईयर की लूंगा, तो 2,500 पर मंथ है इंटू 12 कर देंगे, तो ये आ गया मेरी 30,000। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, और क्या आता है इधर अप्रोबेशन अकाउंट में, कमीशन आती है। कमीशन भी फिलहाल हमको क्वेश्चन में गिवन है, एम को कमीशन मिलेगी मनोज को, और वो दी हुई है हमको 10,000 पर एनम। क्या हमको यहाँ पे मंथ मंथ से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कमीशन दी हुई है वो ईयरली दी हुई है, मंथली नहीं दी हुई है। ठीक, अच्छा और क्या आता है प्रोविजन, रिजर्व आते हैं, रिजर्व क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमको कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फन फाइनल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और जो भी आएगा उसको प्रेम और मनोज में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अच्छा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है, जैसे ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल लगाते तो 90,575 और 1,625, तो ये आ जाएगा मेरा 92,000 6,5,200। ठीक, 92,200, और अच्छा सॉरी ये 1,675 होगा ना, 1,675 मैंने गलत लिखा था, तो ये जाएगा 92,250। और डेबिट साइड की अगर बात करें, तो डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 57,700। दोनों का माइनस कर देंगे तो अपना प्रॉफिट बचेगा, सॉरी 57,500। ठीक, दोनों का माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा 3,475,000, यहाँ लिख देंगे 3,475,000। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आता है इसको हम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3:2, तो डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर इनका शेयर और नीचे टोटल, तो 3 और 2 का टोटल होता है 5, तो डिवाइड बाय 5, इससे इसका ऊपर शेयर 2 और नीचे टोटल, तो ये आ जाएगा मेरा 6,950 × 2 12, 13,900, 13,900, और इसमें 6 और जुड़ जाएंगे 6,950, तो 20,850। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कोई भी आप टॉपिक कर रहे हैं तो प्लीज़ बेसिक क्वेश्चन जरूर करें, बेसिक क्वेश्चन से क्या आपको एक ओवरऑल टॉपिक की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो टफ क्वेश्चन करने में आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों में भी रह जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राम श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर हैं राम श्याम और गोपाल, इनका रेशियो है 2:1:1। ठीक, इनकी हमको क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है, राम की 28,800, श्याम की 19,200 और गोपाल की 14,400। ठीक, लिखा हुआ है ऑन विच इंटरेस्ट एडेड 5% पर एनम इज पेबल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है अपन को 5% पर एनम। अच्छा, एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 12th में आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, और क्वेश्चन की एक एक पॉइंट का आपको मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, जहां आपको मीनिंग नहीं आ रहा वहां पे हिंदी में उसका मीनिंग जरूर लिख के रखें। ठीक है, जैसे कई बार यही समझ बच्चों को नहीं समझ में आता है, ऑन विच इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो ये किसका है? ये क्या बता रहा है कि ये जो कैपिटल है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 5% पर एनम, कई बार बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंटें भी आपको अच्छे से रीड करनी है और इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप
थोड़ा सा कोशिश करें, है ना, इंटरप्रिटेशन करने की जरूर कोशिश करें, नहीं तो पता पड़ा एग्जाम में अपन मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा तो अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर लिखा हुआ है गोपाल वाज टू गेट अ सैलरी ऑफ सैलरी देनी है गोपाल को 7,200। ठीक, और लिखा हुआ है श्याम वाज टू गेट श्याम को अपन को क्या देनी है कमीशन, श्याम गेट अ कमीशन ऑफ ऑन ग्रॉस सेल 3%। ठीक है, कमीशन देनी है श्याम को, ठीक है, किसका 3% ऑन ग्रॉस सेल, सेल्स का 3%। ठीक, आगे जाके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कमीशन जो पार्टनर को मिलती है दो तरीके से मिलती है, सेल पे और प्रॉफिट पे। ठीक है, सेल पे निकालना बहुत आसान है लेकिन दिक्कत आती है प्रॉफिट में निकालने, तो वो भी आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है द फर्म शुड अ प्रॉफिट ऑफ 27,600, प्रॉफिट दिया हुआ है 27,600। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है ग्रॉस सेल, सेल दी हुई है हमको 3,36,000, सेल दी हुई है 3,36,000, और दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हमको, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, ये भी हमको इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 192, 240 और 288। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस मैक्सिमम आप खुद करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस क्या बुक से सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे खुद लिख के देखेंगे, हाँ पूरे भी नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जितने कर सकते हैं उतने खुद सॉल्व करें तो चीज़ें याद होने लगेंगी, टॉपिक जितने भी हैं वो आप रिमेम्बर आप कर पाओगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक, प्रॉफिट दिया हुआ है 27,600, और क्या आता है यहाँ पे, तो और आता है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, राम श्याम और गोपाल 192, 240 और 288, ये मेरे ख्याल से टोटल हो जाएगा 200, 720। ठीक, इस तरफ आ जाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अपन सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लेंगे, कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में 2,88,000, 28,800, 19,200 और 14,400। ठीक, इसके ऊपर जो भी रेट है अपन अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है 5%, तो ये आ जाएगा 1,440, 960 और 720। ठीक, इसके बाद आ जाएगी सैलरी, सैलरी अपन को किसको देनी है, गोपाल को देनी है 7,200, ये क्वेश्चन में गिवन थी, गोपाल को सैलरी मिलनी थी 7,200। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या देना है, कमीशन, कमीशन जो देनी है अपन को शाम को देनी है, अब शाम को कितनी परसेंट कमीशन मिलेगी, 3% सेल्स के ऊपर, और सेल्स हमको क्वेश्चन में गिवन है 3,36,000। अच्छा, क्या सेल्स को कहीं लिखना है क्या, नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1,080। ठीक, और क्या था, रिजर्व, रिजर्व दिया नहीं हुआ है, तो बस फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो में डिवाइड कर देंगे, राम श्याम और गोपाल, प्रॉफिट किसने निकलेगा, तो क्रेडिट साइड टोटल लगा 286, सॉरी 320, ये अपना क्रेडिट साइड का टोटल है 28,320, और डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं कितना आएगा,